अभी अभी आपने जो क्लिप्स देखी वो किर्गिस्तान की है। ये वीडियो जितनी बेचैन कर देने वाली है उतना ही भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को डराने वाली भी है, क्योंकि इन वीडियोज में जिन लोगों पर हमला हो रहा है वो पाकिस्तानी भारतीय स्टूडेंट्स ही हैं। जी हाँ, भारतीय छात्रों को किर्गिस्तान में घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। परिवार डरे हुए हैं, सरकार भी लगातार अपने छात्रों को घर वापस लाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल ये है कि रातों रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों को निशाना बनाया गया? क्या सच में भारतीय छात्रों की इस हालत की वजह पाकिस्तानी छात्र हैं या माजरा कुछ और? आखिर क्या है इस हिंसा की वजह और क्या कर रही है हमारी सरकार? अब तक कितने बच्चे चढ़ चुके हैं इस हिंसा की बलि? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये पूरी घटना 17 मई से शुरू हुई, जब रात के सन्नाटे में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोग आक्रमक होकर होटल्स में घुस गए और भारतीय पाकिस्तानी छात्रों को घसीट घसीट कर मारा पीटा गया। हैवानियत की हदें तब पार हुई जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई और दुष्कर्म तक की खबरें सामने आई। कमरों में घुसकर दंगाइयों ने मारपीट की और हॉस्टल्स में घुसकर वहां बच्चों के साथ मारपीट की गई। सड़कों पर घसीटते छात्रों को देखकर लोकल सीटी बजा रहे थे और उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि कर्फ्यू जैसे माहौल बन गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है लेकिन भीड़ पर काबू पाने में घंटों लग गए। खबर तो यहां तक है कि कई छात्रों की इस हिंसा में जान जा चुकी है। भारतीय पाकिस्तानी सहित अन्य विदेशी छात्र लोगों को किर्गिस्तान में वहां इस कदर हाल डरा हुआ है कि सरकार से घर वापसी की मांग भी की जा रही है। वहीं भारत और पाकिस्तानी सरकार भी अपने छात्रों को हालात सामान्य ना हो जाने के तहत घरों में रहने की एडवाइस जारी कर चुकी है। 0555710041 और 0555005538 जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं ताकि छात्र किसी भी तरह का खतरा होने पर मदद मांग सके। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने छात्रों की हालत क्या बना दी। छात्र खुद बयान दे रहे हैं कि महिला, पुरुष, बच्चे, लड़कियां कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। सभी को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों को इस बेदर्दी के साथ मारा गया? तो जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, भारतीय छात्रों के साथ हो रही इस बेदर्दी की असली वजह पाकिस्तानी छात्र माने जा सकते हैं। यह पूरा विवाद शुरू होता है 13 मई से। बताया जा रहा है कि 13 मई को राजधानी बिश्केक में हॉस्टल्स में रह रहे पाकिस्तानी और किर्गिस्तानी छात्रों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी बहस और बहस विवाद में बदल गया, जिसके बाद किर्गिस्तानी छात्रों ने हिंसा का रास्ता अपनाया और कुछ पाकिस्तानी छात्रों को पकड़कर बुरी तरह से पीटा। बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी भयानक हुई कि 4 छात्रों की मौत तक हो गई। हालांकि अभी भी इस खबर पर सही या गलत की मोहर नहीं लगी है। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र की मौत नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में आई अपडेट के हिसाब से 4 पाकिस्तानी छात्रों की हत्या कर दी गई है और जहाँ पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी छात्र लोग नजर आ रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है और पिटाई भी टिकटॉक पर लाइव अनाउंसमेंट के साथ की जा रही है। देखो अब हम पीटने जा रहे हैं। शर्म की बात है कि इन वीडियोज पर लाइक्स व्यूज भी झमाझम बरस रहे हैं। हालांकि विवाद को और गहराई तब जाकर समझा जाएगा तो पता चलता है कि भारतीय छात्रों पर हो रहे हमले असल में पाकिस्तानी छात्रों के कारण है। वहीं पाकिस्तानी छात्रों की भी कोई गलती नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि 13 मई को जो विवाद हुआ वो पाकिस्तानी और किर्गिस्तानी छात्रों के बीच नहीं बल्कि किर्गिस्तानी और मिस्र के छात्रों के बीच हुआ था। 13 मई को जो वीडियो वायरल हुई वो किर्गिस्तानी और मिस्र के छात्रों के बीच विवाद था, लेकिन वीडियो पर गलत अफवाह फैलाते हुए इसे पाकिस्तानी छात्रों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद किर्गिस्तानी छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच गुस्सा आग की तरह फैल गया। जो पाकिस्तानी छात्र जहां मिले उसे वहीं पीट दिया गया। इस बीच भारतीय छात्र भी निशाना बनाए गए। उनके साथ न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय छात्रों और लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह भी दे चुके हैं।
हैं, लेकिन चिंता अभी भी गहरी है क्योंकि किर्गिस्तान में अभी भी 14,500 लगभग भारतीय छात्र हैं जिन्हें वापस भारत लाने और वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकार लगातार किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए हुए है। वहीं सबसे ज्यादा चिंता है पाकिस्तान को, क्योंकि असली निशाना तो पाकिस्तानी छात्रों को ही बनाया जा रहा है और वहां 10,000 के लगभग पाकिस्तानी छात्र मौजूद हैं। कुल मिलाकर किर्गिस्तान में 60,000 के करीब विदेशी छात्र हैं और हर कोई खतरे के निशान पर खड़ा है। पर यहां पर एक सवाल उठता है कि किर्गिस्तान में आखिर इतने विदेशी छात्र क्यों जाते हैं? तो इसका कारण है MBBS जैसे महंगे कोर्स का सस्ता में होना। जियोग्राफिकली समझे तो भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 16,000 किलोमीटर दूर उत्तर में और रशिया के दक्षिण में 5 एशियाई देश हैं जिन्हें सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहा जाता है। इन देशों में से एक है किर्गिस्तान, जो 68 लाख की आबादी के साथ एक छोटा सा देश है और सेंट्रल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 1,99,900 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और साल 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटते ही किर्गिस्तान का जन्म हुआ और यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे विदेशी छात्र MBBS की डिग्री लेने के लिए जाते हैं और इसका कारण है फीस। यूजुअली अगर हमारे भारत में कई छात्र MBBS करता है तो उसे एक साल में कम से कम 25 लाख रुपये देने होता है। जी हाँ, 25 लाख, और ये किसी भी प्राइवेट कॉलेज की कम से कम फीस है। वहीं बात सरकारी की करें तो उसके लिए 4-5 लाख हर साल खर्च करने पड़ते हैं। वहीं कहीं बैंक लग जाए तो फिर री हो जाए तो 4-5 लाख आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए। लेकिन इससे भी पहले एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोटा जाकर 10-10 लाख खर्च करके तैयारी करनी पड़ती है, अगर कहीं रह गए तो फिर इससे इतनी ही फीस। इस तरह हमारे भारत के बच्चे MBBS 1 करोड़ से भी ज़्यादा के कर पाते हैं। इसलिए बच्चे ज्यादातर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाते हैं क्योंकि वहां MBBS और दूसरी भी पढ़ाई काफी सस्ते में हो जाती है। मतलब एक एवरेज माने तो 30 से 35 लाख जिसमें खाना पीना रहना आना जाना ये सब शामिल है। इतने में एक बच्चा MBBS करके डॉक्टर बन के वापस देश लौट आता है और यहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती है तो ये भी एक बेनिफिट है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में भारतीय, पाकिस्तानी और दूसरे विदेशी छात्र किर्गिस्तान और दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज पहुंचते हैं। हालांकि किर्गिस्तान में छात्र सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन अब यही विदेशी छात्र खतरे के निशान में हैं। उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है, बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। किर्गिस्तान की मीडिया वेबसाइट 24.kg के मुताबिक 17 मई को हुई हिंसा में कई छात्र घायल हो गए और स्थानीय लोग पर्सनली लोगों को मैसेज भेज कर धमकियां दे रहे हैं कि अगर वह जल्दी से यहां नहीं गए तो उन पर हमला किया जाएगा। खबर है कि छात्रों पर चाकू और धारदार हथियारों से भी हमले किए जा रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर छात्रों की सुरक्षा की चिंता भी जताई। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ट्वीट कर चिंता जाहिर कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से पाकिस्तानी छात्रों को लेने के लिए बकायदा फ्लाइट रवाना की है और 180 के लगभग पाकिस्तानी छात्रों को वापस अपने मुल्क भी लाया जा चुका है। वहीं भारत भी अपने छात्रों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है और अफगानिस्तान सहित जिन भी देशों के बच्चे किर्गिस्तान में हैं उनके लिए भी सरकारें कामें कर रही हैं। वहीं फिलहाल बिश्केक में हालात नॉर्मल बताए जा रहे हैं, लेकिन उतने भी नॉर्मल नहीं हैं और लोगों में अब भी डर का माहौल है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और हालातों को संभाल रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे ही हिंसा पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।